जैन, आज हम लोग जेंडर पढ़ने वाले हैं। क्या जेंडर? जेंडर की हिंदी बाबू लिंग होता है। क्या लिंग? डेफिनेशन देखिए, परिभाषा, वह संज्ञा शब्द जो किसी प्राणी को नर और मादा होने का बोध कराए उसे जेंडर कहते हैं। बात समझ में आई? वह संज्ञा शब्द या फिर वह शब्द जो बताए कि कौन आदमी है, कौन औरत है, कौन किसमें जान है, किसमें नहीं जान है, ये सब लिंग के निर्धारण करने के लिए या आदमी औरत का पहचान करने के लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं, ये जेंडर बताता है हमें। क्या? लिंग बताता है। ठीक, जेंडर को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा गया है। पहला, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर यानी पुल्लिंग, पुल्लिंग यानी आदमी के लिए। क्या? वे शब्द जो पुरुष जाति का, किसका? पुरुष जाति का बोध कराए उन्हें मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे मैन, ऑक्स, बॉय, रमेश। बात समझ में आ गई? जो आदमी को बताए वो मैस्कुलिन जेंडर होता है। अब फेमिनिन जेंडर दूसरा क्या है? फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर यानी स्त्रीलिंग। क्या? स्त्रीलिंग यानी औरत। औरत लड़कियों को जो बताए वो फेमिनिन जेंडर होता है। बात समझ में आई? वे शब्द जो स्त्री जाति का, किसका? स्त्री जाति का बोध कराए उन्हें फेमिनिन जेंडर कहते हैं। बस, जैसे गर्ल, वोमन, हेन, राधा, ईटीसी। बात समझ में आई? तीसरा क्या है? तीसरा कामन जेंडर यानी उभय लिंग। कामन जेंडर, उभय लिंग, वे शब्द जो स्त्री तथा पुरुष दोनों का बोध कराए, वे शब्द जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे क्या कहते हैं भाव? कामन जेंडर कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिससे पता ना चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, इन्हें ये पता चले कि दोनों हो सकता है, स्त्री या पुरुष में से दोनों हो सकता है ना। इसका बता रहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराए उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, पेरेंट्स। टीचर में अब कोई कह दिया जाए कि अपने टीचर को बुला लाना, तो उसका टीचर जो उसे पढ़ाता है वो मैडम भी हो सकती है, सर भी हो सकते हैं। बात समझ में आई? इसीलिए इस कॉमन जेंडर को उभयलिंग कहते हैं, यानी ये स्त्री और पुरुष दोनों को बताता है। ठीक, स्टूडेंट, स्टूडेंट में भी लड़की भी स्टूडेंट होती है, लड़का भी स्टूडेंट होता है। चाइल्ड में बच्चे, बच्ची रहेगी तब वो चाइल्ड कहेंगे और लड़का रहेगा तब वो चाइल्ड कहेंगे। पेरेंट्स में, पेरेंट्स माता पिता दोनों आ जाएंगे। क्यों है ना? इसीलिए कॉमन जेंडर क्या? स्त्री और पुरुष दोनों को बताता है। ठीक, अच्छा, अब न्यूटर जेंडर में आए। न्यूटर जेंडर यानी नपुंसक लिंग। वे शब्द जो निर्जीव या बेजान वस्तु का बोध कराए उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। चौथा क्या है? न्यूटर जेंडर यानी कि न्यूटर जेंडर जो किसी निर्जीव या बेजान वस्तु का बोध कराए, उसमें जान वो नहीं रहना चाहिए है ना, उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूटर जेंडर कहते हैं। जैसे ट्री, टेबल, पेन, डोर, स्पून, इटिस। स्पून चम्मच, चम्मच में कौन जान होता है? नहीं। पेन में, कलम में जान नहीं, टेबल में जान नहीं है ना। ये सब जान जो निर्जीव वस्तु होती है, क्या लिखा है? निर्जीव और बेजान वस्तुओं को बोध कराए उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। बात समझ में? ट्री में तो जान होता है, बट बाबू अंग्रेजी में ट्री को न्यूटर जेंडर में ही रखा जाता है। ठीक, उसमें जान और नहीं, वो हिल डुल नहीं सकता है ना, इसलिए यहाँ से उंगाले नहीं जा सकते, इसलिए इसे न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।